दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे किचन में। दोस्तों आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे चने दाल की नमकीन की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही चटपटा होता है और बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का एकदम जबरदस्त सा रेसिपी, जो कि खाने के बाद मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिए हैं 500 ग्राम चने की दाल। चने की दाल को हमने रात में पानी में भिगो दिया था और ये फूल के तैयार है। इसको हमने अच्छे से धो के वाश करके एकदम छान लिया हुआ है और ये एकदम फ्रेश दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम मूंगफली के दाने। तो सबसे पहले ये करेंगे कि चने के दाल को हम एक कपड़े में, कॉटन के कपड़े में फैला देंगे। तो चने के दाल को धो के आप एक कपड़े में इसको थोड़े देर के लिए फैला दीजिए, जिससे इसमें जो भी पानी है ये अब्सॉर्ब कर लेगा कपड़ा और चने की दाल में हमारा पानी नहीं रहेगा। एकदम शुरू से हम प्रोसेस बता रहे हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चने का नमकीन हमारा बनेगा एकदम बेहतरीन। इसको आप फैला लीजिए 20 से 25 मिनट। यदि आप इसको इस तरह से फैला के छोड़ देंगे, इसका जो भी पानी है सब सूख जाएगा। और ये देखिए एकदम इसका पानी सूख गया है। तो दोस्तों इधर कढ़ाई का सीन ये है कि इसमें हमने तेल को ऐड कर दिया हुआ है और तेल हमें कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा चाहता है चने दाल की नमकीन को छानने के लिए। और ये चने के दाल को हमने यहाँ पे रख लिया हुआ है और साइड में हमने रखा है एक बर्तन और छन्नी, जिससे हम नमकीन को छान के इसमें रखेंगे। तो तेल हमारा इधर लगभग गर्म हो गया है, तो एक दो दाना हम डालते हैं। क्या बात है, बेहतरीन। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमारा तेल यहाँ पे गरम हो गया है। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। तो अब ऐड करते हैं कढ़ाई में चने की दाल को। जब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे दोस्तों, तब हमारा तेल थोड़ा सा हीट होना चाहिए। उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और ये धीमी धीमी आंच में ये पकेगा। और जब ये सही रूप से एकदम पक जाएगा तो सभी चने के दाल जो है तेल के ऊपर तैरने लगेगा। और ये जैसे जैसे होता जाएगा, देखिए ऊपर की तरफ अपने आप ये उठता जाएगा। ये तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चना का दाल रेडी हो गया है। इसको निकाल लेते हैं। इसका जो तेल है अच्छे से हम निखार लेंगे और हमें ऐसे ही एकदम ब्राउन ब्राउन फ्राई करना है। हम यहाँ कढ़ाई के हिसाब से ऐड करेंगे दाल, बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करेंगे और बहुत कम भी नहीं, इतना कि इस कढ़ाई में अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फाइनली ये भी तैयार हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। अब मूंगफली को भी हम फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को दोस्तों एकदम धीमी धीमी आंच में फ्राई करना होता है, नहीं तो ये अंदर से जल जाता है। और जब मूंगफली फटने लगे तो समझ जाइए कि मूंगफली फ्राई हो गया है। इसको निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इसमें नमक और कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले रेगुलर नमक आधी चम्मच और काला नमक डाल देंगे आधी चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च दोस्तों डाल देंगे एक चम्मच। चाट मसाला डाल देंगे एक चम्मच। भुना हुआ गरम मसाला
आधी चम्मच से थोड़ा सा कम। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको हमें अच्छे से यहाँ पे मिला लेना है ताकि सारा मसाला जो है नमक अच्छे से चना दाल मूंगफली में अब्सॉर्ब हो जाए, बढ़िया से मिल जाए। तो फाइनली चने दाल का नमकीन यहाँ दोस्तों तैयार है और ये देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं जबरदस्त। तो चलिए इसे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, एकदम जबरदस्त। आप अगर ऐसे घर में नमकीन बना के खाएंगे ना तो बाजार की नमकीन भूल जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त मज़ा आ गया। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक बढ़िया सा बेहतरीन सा वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।